नमस्कार फ्रेंड्स, हेल्प ऑफ शेयर मार्केट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे और आपके पोर्टफोलियो में दिन दुना रात चौगुना वृद्धि हो, यह मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। आज हम लोग कुछ वैसे स्टॉक की बात करेंगे जो आने वाले समय में आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। स्टॉक का नाम है HFCL, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड। इस स्टॉक को पहले भी कई बार मैं वीडियो में कवर किया हूं और यह स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मुनाफा बनाकर देगा, इसलिए इस स्टॉक को आप लोग अभी से देख सकते हैं। और ये जितने भी स्टॉक का नाम मैं बता रहा हूं, ये सारे एजुकेशनल पर्पज से हैं। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का एनालिसिस कर रहे और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय विचार करने के बाद ही किसी स्टॉक में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट, लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, करेंट प्राइस 77 रुपीज। यह बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, अभी भी मौका है, इस स्टॉक पर अभी से हम फोकस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे पिछले वीडियो में आप लोग से बताया था OFS आने के लिए, OFS आने वाला है IRFC का। उस दिन करेंट प्राइस जिस दिन बताया था उस दिन 173 रुपीज था, आज यही स्टॉक 190 रुपीज पर चला गया। जब अच्छी कंपनी हो तो उसके लिए बहुत सारे न्यूज आते रहेंगे, लेकिन मार्केट से पैसा कमाना है तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है, अच्छे कंपनी के साथ इन्वेस्टर रहे। नेक्स्ट, RBNL, इस स्टॉक को सबसे पहली बार जब मैं वीडियो बनाया था चैनल पे 21 मार्च 2024 को 244 रुपये बताया था, आज यही स्टॉक 492 रुपये टच कर गया, यानी डबल से भी ज़्यादा इसने प्रॉफिट बना के दिया है। और साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रेलवे के जितने भी सेक्टर में बताया था और एनर्जी सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं, उन सारे स्टॉक पे आप लोग फोकस कीजिए, अभी आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। नेक्स्ट, यूनिटेक लिमिटेड, आज यह 11.65 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और 5% के अपर सर्किट में स्टॉक ट्रेड किया है। इससे पहले इस शेयर को मैं कवर किया था और बताया था कि इस कंपनी के ऊपर एक एलिगेशन लगा हुआ था कि इन्होंने फंड ट्रांसफ़र किया है फॉरेन में, लेकिन जब सेबी ने क्लियर कर दिया तब उसके बाद देखा गया कि जब ये 5% का अपर सर्किट और 5% का लोअर सर्किट में ट्रेड करता था, उससे निकल करके अब नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहा था, यानी 1-2% के इसमें गिरावट हो रही थी। इस स्टॉक को मैं कई बार आप लोग से बताया था और यह बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। यह स्टॉक कभी 600 रुपये का होता था, लेकिन बड़े बड़े कंपनी के ऊपर भी जब कोई भी ऐसा आरोप लग जाता है तो कंपनी गिर जाता है, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे आप करंट में BCG को देख सकते हैं। यह स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है, इस स्टॉक पे फोकस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।